जी मालिक, फरमाइए। हाँ हाँ आ रही हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ। जल्दी क्या मामा, अब फिर से कोई लड़के वाले आ रहे हैं? क्या है मामा? अच्छा सुने, आप ना उन्हें पहले से बता दीजिएगा कि लड़की मोटी है। मामा अब कौन आ गया मुझे देखने? जाओ जल्दी से कपड़े चेंज करो, और अगर इस बार तुमने कपड़े चेंज नहीं किए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं चाय वाय नहीं लेकर जाऊंगी, थक गई हूँ मामा ये प्रैक्टिस कर करके मैं। हाँ तुम चाय पी चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, बस तुम ये कपड़े चेंज करो, तैयार हो और खामोशी से आ जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, कोई गैर जरूरी बात मत करना। मिला हो जाए, आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया? अरे नहीं लेना। थैंक यू वेरी मच। ये लेने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे ले, हानी आ गई, आ जाओ। तुम भी सोच रही होगी कि हम दोबारा यहाँ क्यों आ गए। मैंने सोचा कि तुम्हें एक और चांस दिया जाए। चांस मतलब? हानिया आप लोग कुछ लेना, देखो नहीं रहे, प्लीज। मुझे किसी चांस की जरूरत नहीं। चुप रहो हानिया। मामा डैडी मेरे कहने पर यहाँ पर। फिर तो चांस आपने अपने बेटे को दिए, मुझे नहीं। माय गॉड, तुम तो बहुत बदतमीज लड़की हो, हमें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैंने तो ऐसी मजाकन बात कह दी, इसने तो बात का पतंगड़ बना दिया। मामा डैडी, देखो बेटा हमारा वो मतलब नहीं था जो तुमने समझ लिया। दरअसल असमत बेगम के अल्फाज का चुनाव जरा सख्त है। प्लीज हारून, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? अरे मैं गुस्सा कर रही हूं? मैं तो कुछ बोली नहीं हूं। माफ कीजिएगा बहन, लाजी बोल। ठीक है तो फिर हम बोलते ही नहीं है। अच्छा होगा कि हम चले जाएं। चलो कामिल, हमें यहां शादी नहीं करनी। मुझे भी शादी करने का कोई शौक नहीं है। उठो कामिल, चलो चलना है यहाँ से हमें। मामा मैं नहीं जाऊँ। क्या मतलब नहीं जाना? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? असमत बेगम आप चले, मैं कामिल को ले आता हूँ। हारून ये कोई मजाक नहीं हो रहा। जब मैंने कह दिया कि ये मोटी और बदतमीज लड़की मेरी बहू नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। लेकिन मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ हानिया से। और मुझे ये शादी नहीं करनी। सुन लिया तुमने? अब दिल ठंडा हो गया? मैं गाड़ी में बैठी हूँ, जल्दी से आ जाओ, देर मत करना। देखिए भाई साहब, असमत बेगम गुस्से की जरा तेज है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, मान जाए। कामिल बेटा चले।